वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास 7 एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, और सीरीज़ है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स की। प्रॉब्लम नंबर 7 में हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन है कि शॉर्ट एट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन इज एच कट के, और गिवन है कि वेव जो है नॉर्मलाइज्ड है। अगर वेव नॉर्मलाइज्ड है तो हमें ए जो कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास एक वेव फंक्शन गिवन है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो साई स्टेरिक साथ में मोमेंटम ऑपरेटर और जाय। अब मोमेंटम ऑपरेटर की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास इक्वल होता है माइनस आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। अब जाय एक्स टी की स्टेरिक की जो कि कॉन्जुगेट होगा आयोटा के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बाकी टर्म सेम रहेंगी, और जाय एक्स टी मीन्स कि ये जो हमारे पास वेव फंक्शन है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमने वैल्यूज़ पुट कर ली, अब हमें इस चीज़ का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, और बाकी टर्म सेम आ जाएंगी, सिर्फ इस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है। एक दफ़ा ये टर्म सेम आ जाती है और फिर इसकी जो बेस या पावर होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो आयोटा के आ गया माइनस, ये नीचे उतरेगा तो टू एक्स और नीचे 2d, टू से कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, एक्स ओवर डी। ये अल्फा नहीं था, डी था, क्वेश्चन में भी डी था, डी और ये भी डी। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी क्या है, पूरा अंडर रूट है उसके अंदर डी, और फिर ये अलग से अंडर रूट है, तो ये ऊपर वाला जो अंडर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये चीज़ एज अ कॉन्स्टेंट बाहर चले जाएगी, सिर्फ रह जाएगा ये फॉर्म। और ऊपर अगर देखें तो ये माइनस आयोटा के एच कट जो है इसको भी हम बाहर ले लेंगे एज अ कॉन्स्टेंट, अंदर जो चीज़ रह गई है वो एज इट इज़ में लिख दूंगी। देखिए यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 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 टू हो जाएगा और ये टू उसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर और डी स्क्वेयर। यहाँ पे आयोटा के माइनस एक्स ओवर डी स्क्वेयर ये टर्म रह गई। अब ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी आयोटा एच का डी पाए, और यहाँ से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये टर्म पूरी आई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से ये आयोटा बाहर जाएगा, आयोटा स्क्वेयर माइनस वन होता है, बट यहाँ पे माइनस जो है वो पहले से है, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा एच कट और साथ में ये के। डी एक्स भी आएगा। अब यहाँ पे ये डी जो है ये बाहर जाएगा तो डी क्यू और पाए। अब ये चीज़ जो है ये मेरे पास गॉसियन बन रहा है, ये गॉसियन है, ये भी गॉसियन है, बट इसके ऊपर क्या है, एक ये टर्म जो आ रही है इसके ऊपर वन पावर है, वन जो है ओड है, अगर ओड होता है तो हम उसके डेरिवेटिव को इसके इंटीग्रल को पूरे क्या ले लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं। अब तो 7 प्रॉब्लम ये चीज़ आप लोगों को आ गई होगी, इसको ज़ीरो ले लेंगे और इसका इंटीग्रल क्या होता है, पाई बाय अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 1/d² और ये ऊपर जाएगा तो पाए और जब हम इसको अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो अंडर रूट पाए और डी, क्योंकि इसको हमें कैंसिल करना है, एच कट के बनाना है, तो इसके इंटीग्रल का आंसर ये आया है, इसलिए हमने इसको बाहर लिखा है ताकि ये दोनों क्या हो जाएं, कट हो जाएं, तो आपके पास एच कट के आ गया। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।